लीडर से कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स लेंगे और चैट में भी लेंगे। ओके सो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है प्रज्वल सर ने। सो अभी आप लोग देखा है कि कैसे आप नॉर्मल हमारा जो बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस से आप कैसे माइग्रेट करेंगे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन को, उसमें आपको जब ग्रीन बटन मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग बताए हैं उसी स्टेप से आपको करना है। और आई थिंक कल एक पीडीएफ मिला होगा सबको, बहुत सारा ग्रुप में ऑलरेडी शेयरिंग किया है। सो पीडीएफ में ऑलरेडी स्टेप्स भी दिया गया है कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, कैसे क्या करेंगे। सो उसी हिसाब से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ब्लॉकचेन वॉलेट क्रिएट करना है। स्पीड फेजेस जो 12 फेजेस दिखाया वो इम्पोर्टेंट है, उसको केयरफुली रखिए, उसको कहाँ पे मिस कर देंगे मतलब आपका पोर्टफोलियो। जैसे आपको आप लोग भी सुना होगा बिटकॉइन, बहुत सारा बिटकॉइन ऑलरेडी ब्लॉक्ड स्टेट में है, उसको खुल नहीं पाते हैं। कि कुछ कुछ आदमी के पास ऑलरेडी बिटकॉइन है लेकिन वो लोग उसको खुल नहीं पाते हैं, उसको मैं भी की भूल गया, किसका पासवर्ड भूल गया, कुछ कुछ ऐसा हुआ। सेम आप लोग क्या करेंगे, जब स्पीड फेजेस डेवलप करेंगे जनरेट करेंगे उसको परमानेंटली 2-3 जगह में, इधर सॉफ्ट कॉपी हो हार्ड कॉपी हो उसको रखिए, फिर नेक्स्ट स्टेप कीजिए। ये तो फर्स्ट है, आपको हम लोग जो ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को हम लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। उसका बाद भी हमारा और सारा लीडर्स है उसका ऊपर भी सेशंस लेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ऑलरेडी आई थिंक हमिद सर ने एक भी वीडियो बनाया था हिंदी में इंग्लिश में, हाउ टू रजिस्टर इन द एक्सचेंज जो है यूनिटेक्स एक्सचेंज, उसमें करने के बाद जब ये आ जाएगा ब्लॉकचेन वॉलेट, हम लोग फिर से भी ट्रेनिंग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे कैसे ब्लॉकचेन का ऊपर रियल लाइफ एक ट्रेनिंग देंगे और कैसे कहाँ स्टेकिंग ये सब एंटायर एक्टिविटीज करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको ही करेंगे। बहुत बढ़िया। सो किसका एक क्वेश्चन आया है प्रज्वल सर, देखिए सीआरयू कन्वर्ट टू डब्ल्यू सीआरयू फीज, व्हिच वॉलेट्स क्या है, सीआरयू कन्वर्ट टू डब्ल्यू सीआरयू फीज, व्हिच वॉलेट्स डेबिट और डिपॉजिट। जब सीआरयू से आपका माइक म्यूट हो गया प्रज्वल सर। हाँ देखिए सर, जो भी हमारा डेबिट होगा वो यूएसडीबी में डेबिट होगा हमारा। यस, तो यूएसडीबी को हमको पहले कार्ड से बाय करना पड़ेगा, हमारा जो भी एटीएम कार्ड है तो क्वांटम क्लियरेंस के द्वारा हमको बाय करना है, हमारे एटीएम कार्ड के द्वारा हमको बाय करने के बाद उससे हम लोग ट्रांजैक्शन फीस दे सकते हैं सीआरयू टू डब्ल्यूसीआरयू बनाने के लिए। सीआरयू कन्वर्ट टू डब्ल्यूसीआरयू फीस, व्हिच वॉलेट्स डेबिट और डिपॉजिट। जब सीआरयू से आपका माइक म्यूट हो गया प्रज्वल सर। हां देखिए सर, जो भी हमारा डेबिट होगा वो यूएसडीबी में डेबिट होगा हमारा। यस, तो यूएसडीबी को हमको पहले कार्ड से बाय करना पड़ेगा, हमारा जो भी एटीएम कार्ड है तो क्वांटम क्लियरेंस के द्वारा हमको बाय करना है, हमारे एटीएम कार्ड के द्वारा हमको बाय करने के बाद उससे हम लोग ट्रांजैक्शन फीस दे सकते हैं सीआरयू टू डब्ल्यूसीआरयू बनाने के लिए। ए मेरे पास सीआरयू है, तुम बोल रहे हैं कि ये इसको डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करिए, ये कैसा करना है सर जी? हाँ सर, उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देंगे आने वाले दिनों में, अभी तक तो हम लोग जो बेसिक्स है उसके बारे में बता रहे हैं आपको, उसके बारे में ट्रेनिंग देंगे सर। ये सर एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको एक ब्लॉकचेन वॉलेट को क्रिएट करके इसको ब्लॉकचेन वॉलेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसका बाद फिर नेक्स्ट जो एक्टिविटीज होगा ब्लॉकचेन जो पूरा फंक्शनलिटी चालू हो जाएगा, सो उसका ऊपर आप लोग को एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे, हाउ टू कन्वर्ट सीआरयू टू डब्ल्यूसीआरयू, हाउ आप कैसे स्टेकिंग करेंगे, आप कैसे सीआरयू स्टेकिंग करेंगे, कैसे यूएनडीपी पाने के लिए स्टेकिंग करेंगे, हर चीज दिखा देंगे। ये है फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप वन है, देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, नो प्रॉब्लम सर। बहुत जल्दी सर, ये बताइए कि जब हमने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर लिया, यस ठीक है, फिर डब्ल्यूसीआरयू को हम यूएनटीबी में कन्वर्ट करते हैं, राइट? नहीं, वो जो यूएनटीबी है, यूएनटीबी क्या माइनिंग का काम करता है? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। डब्ल्यूसीआरयू को आप यूएनटीबी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आप जब डब्ल्यूसीआरयू कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यूसीआरयू 365 डेज के लिए लॉक्ड रहेगा। ओके ठीक है, आफ्टर 365 डेज ये जो शेड्यूल्स का हिसाब से पर मंथ 1% फर्स्ट 6 मंथ, देन 1.5% उसमें एक शेड्यूल हिसाब से अनलॉकिंग होगा। मैं इसमें क्या बोला कि जब आप WCRU कन्वर्ट करेंगे, WCRU को आप स्टेकिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग करने से आपको रिवार्ड मिलेगा यूएनटीबी, ठीक है?
नहीं, WCRU को हम स्टेकिंग कर सकते हैं राइट? यस। तो जो हमारे पास अनब्लॉक CRU पड़े हैं, सपोज मेरे पास 1 लाख अनब्लॉक CRU है, उसका मैंने 50% हमने कर दिया WCRU में कन्वर्ट कर दिया। यस। तो जो WCRU हमने जो कन्वर्ट किया वो एक साल के लिए स्टेक रहेगा उस समय? यस एग्जैक्टली। ठीक है, और अब हमें UNTV भी चाहिए, तो हम UNTV कैसे कैसे लें? UNTV कैसे लें उसी समय? नहीं, जो आपको 1 ईयर तक मतलब ब्लॉक्ड हो गया ना, उसको ही आप स्टेकिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो WCRU आप कन्वर्ट कर दिया, WCRU को शेड्यूल यही है कि वो 1 ईयर तक ब्लॉक्ड रहेगा, मतलब उसको आप ट्रेड ट्रांसफर एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसको हम जो हमने 50,000 WCRU बाय किया उसी को हम स्टेकिंग करते हैं? यस, उसको आप स्टेकिंग कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनिशियल डेज में क्या है ना, स्टेकिंग के ऊपर मिलेगा, जाते जाते ये भी लॉन्च होगा, 0.010 USDC से लॉन्च होगा UNTV। UNTV जब देखिए, इनिशियली अभी तो किसका पास UNTV नहीं है, जब माइनिंग होके आ जाएगा, सपोज मेरा पास UNTV आ जाएगा, मैं UNTV लेके भी ट्रेड कर सकता हूँ। आप उधर सपोज अनब्लॉक CRU में उसको आप ट्रेडिंग जो होगा उसमें वो कर सकते हैं, वो बाद में, लेकिन इनिशियली किसका पास तो नहीं होगा, वो स्टेकिंग से जरिया सबको UNTV मिलेगा फर्स्ट इनिशियल पीरियड। ओके, और बाकी जो आप क्वेश्चन पूछा था, बाकी जो 50,000 आपका पास अनलॉक्ड CRU है, तो प्रज्वल जी जो अब जो एक दिखाया था स्क्रीन जो PPT में, आप उसको 4 डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। अनलॉक CRU को? अनलॉक, यस। अच्छा, अनलॉक CRU को हम UNTV और WCRU सब में कर सकते हैं? हाँ, वो 4 डिफरेंट ऑप्शन है, आप होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, P2P कर सकते हैं, उसको आप CRU पाने के लिए भी कर सकते हैं स्टेकिंग। अनलॉक्ड CRU को देखिए, आप अनलॉक्ड CRU को आप CRU के लिए स्टेकिंग कर सकते हैं। हमारा जो स्क्रीन दिखाया प्रज्वल जी ने, 2 टाइप्स ऑफ स्टेकिंग आर देयर, सब लोग भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 2 टाइप का स्टेकिंग है। फर्स्ट स्टेकिंग इज टू गेट CRU, सेकेंड स्टेकिंग इज टू गेट UNTV। क्लियर? सो CRU पाने के लिए आपको आपका पास अनब्लॉक्ड CRU होना चाहिए। अनब्लॉक्ड CRU लेके आप स्टेकिंग कर सकते हैं अनब्लॉक्ड CRU पाने के लिए, ये है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है टू गेट UNTV। UNTV के लिए आप अनब्लॉक्ड CRU को भी स्टेकिंग कर सकते हैं, WCRU को भी स्टेकिंग कर सकते हैं। रत्नाकर सर, एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा, अगर आपके पास अनब्लॉक्ड CRU नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज से बाय करके CRU उसको भी स्टेकिंग के अंदर डाल सकते हैं सर। ओके, खरीद के उसको भी रख सकते हैं आप स्टेकिंग के लिए। ओके, दैट्स गुड। एंड ठीक है, अच्छा ये कि अभी तो हम एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, तो अभी कुछ आइडिया है कि हमारा एक्सचेंज कब से स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम P2P कर सकते हैं या फिर हम स्टेक कर सकते हैं? देखिए, मारिया मैडम का तो ऑलरेडी जो वेबिनार था उसने बताया कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया था फ्राइडे को, अभी भी मंडे से फिर से भी रजिस्ट्रेशन चालू होगा, तो उसको थोड़ा सा बैक ऑफिस को फॉलो करना पड़ेगा एग्जैक्टली कब तक, मतलब KYC तो आई थिंक बहुत सारा लीडर का KYC तो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गया है, ये तो ऑनलाइन में होता है ऑलरेडी। एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि वो उन्होंने ये कर दिया कि पासपोर्ट जरूरी है, जबकि इंडिया के अंदर 99 लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, ये आप समझ रहे हैं चीज को, जिन लोगों ने लगाया है सब आधार कार्ड से लिंक सबने किया है, तो इसका सलूशन कुछ निकलेगा? क्योंकि देखिए, एवरी हर कंट्री का कुछ कुछ, जैसे कि ग्लोबल यूनिट पे हो गया और इसका हो गया, कुछ कुछ रूल्स है। पासपोर्ट में क्या होता है, पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, जैसे कि लोग चाहते हैं कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कुछ ऐसे इस टाइप का बंदा ना घुसे, इसीलिए थोड़ा सा रखा गया है, बाद में देखते हैं, बट अभी तो टाइमिंग विंग पासपोर्ट है, सब लोग तो रिक्वेस्ट दी, सबका भी प्रॉब्लम है ये, हमारा टीम में भी प्रॉब्लम है ये, फिर बाद में देखते हैं, कुछ एडिशनल ऑप्शन कंपनी ने दिया देगा कि कुछ करेगा तो फिर अच्छा रहेगा, अभी तो फिलहाल पासपोर्ट ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी में काम आपका है, अभी तो ये पासपोर्ट भी इतना कॉस्ट नहीं, आप आई थिंक विद इन 1 मंथ में पासपोर्ट हो जाता है, पासपोर्ट अभी इजीलेस्ट कोली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी नॉर्मली तो हम लोग बहुत सारा पासपोर्ट बना लिया मतलब टीम में बोल के, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलो सर, वो तो मुझे पता लगा कि कंपनी कुछ ना कुछ करेगी उसके लिए, शायद बाद में कर दे कि आधार कार्ड ही वैलिड कर दे, वेटिंग देख, हम लोग भी आशा करते हैं कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज आएगा तो अच्छा रहेगा इंडियन पार्टनर्स बेसिकली।
छोटा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन तो पहले भी दूसरा आदमी ने किया और हम कंफर्मेशन कंफर्मेशन के लिए हम एक छोटा क्वेश्चन रखना है. मेरा टाउन लाइन 1000 का ऊपर है. वो लोग का तो इंडियन पासपोर्ट नहीं है, तो उसका ऑप्शन क्या, एनी अदर ऑप्शन वो लोग मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए ऑलरेडी अनिल जी ऑलरेडी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. सो यस करेंटली वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज पासपोर्ट व्हिच इज मैंडेटरी करेंटली करंट सिचुएशन. सो देखते हैं इफ कंपनी विल थिंक फॉर अस देन वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट, बट टुडे एज ऑन टुडे वी हैव टू डू विद द पासपोर्ट ओनली. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड स्टेप में बताया था जब वॉलेट जनरेट करते समय, सेकंड स्टेप में ये जो हमारे 12 की मिलेंगे इसको एक सीक्वेंस में लगाना है स्पेस दे देके? यस यस डेफिनेटली यस. ठीक है, उस देन उसके नेक्स्ट स्टेप में जो है पिन जनरेट करना है. या नेक्स्ट. ठीक है, तो जो सीक्वेंस है नेक्स्ट जो पूछा जाएगा आप उसी सीक्वेंस में एंट्री कीजिए, स्पेस बीच में स्पेस दे. एक पीडीएफ आपको मिला है क्या? पीडीएफ कल एक पीडीएफ ऑलरेडी वो पीडीएफ में देखिए पूरा डिटेल्स लिखा है. वो पीडीएफ तो 27 पेजेस है, उसमें लास्ट को आप मत जाइए, उसका बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे. आई थिंक फर्स्ट वन फर्स्ट पेज, देन आपका सेकंड पेज, देन थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ये सब फोर्थ हो गया, देन डैशबोर्ड हो गया फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज भी हो गया, सेवेंथ पेज, ये पेजेस तक आप रीड कर लीजिए. जो जो चीज हम लोग ने बताया ना उसमें भी वो चीज डिटेल्स लिखा है. बाकी तो टोटल 27 है, 27 आपको अभी पढ़ेंगे तो मोर डिफिकल्टी हो जाएगा. आप स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए हम लोग पूरा आज का सेशन में पूरा रखा नहीं क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो आप इनिशियली 10 पेजेस उसमें पढ़िए, जो चीज हम लोग ने बताया है सेम 10 पेजेस में, बाकी सारा चीज ऑलरेडी कवर किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट. लगता है सर अभी कोई सवाल नहीं है. हेलो जैन सर. यस सर, बोलिए बोलिए. सर नमस्कार सर. सर मेरे डाउनलाइन में सर कम सर 500 से ऊपर बंदा है सर, सारे फौज के अंदर है सर. फौज हो गया मतलब पुलिस हो गया आर्मी हो गया, तो हम लोगों का सर मतलब मुश्किल है सर. हमारा तो पासपोर्ट बन ही नहीं पाएगा, मैंने तो हैरी सर तक बात रखी सर. तो कैसे किया जाएगा सर, बनेगा नहीं तो? कोई किसी का रिप्लाई नहीं आया, बोला सर वेट कीजिए एड ऑन करेंगे. आप शायद जबर सर हरी सर से भी बात किया था शायद कल, तो जबर सर उसने बोला कि ऑलरेडी हम लोग उसमें बात किया है, थोड़ा देर वेट कीजिए, देखते हैं फ्यूचर में क्या सर नेक्स्ट ऑप्शंस जी है. जी सर कुछ कीजिए सर, है ना. सभी बोल रहे यार मैडम लोगों का अपने रिलेटिव का किसी ना किसी का निकालो, लेकिन सर मेरे टीम के बंदे नहीं मान रहे सर. मेरी तो नौकरी खाने के लिए बैठ गए सर. बोला हम आपकी बात बताएंगे, हम अगर एक्सचेंज के ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो हम लिख के दे देंगे बड़े अफसर को, तो इसने हमारे साथ ऐसे किया ऐसे किया. पहले तो आधार के साथ बोला और आज तो बोला कि पासपोर्ट मांग रहा है सर, है ना. बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, लेकिन कोई मतलब उसको रियल में मतलब नहीं, मतलब सर सारे ऐसे सोच रहे कि यार चलो ये भाई तो पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, इसका थोड़ी है, काकड़े का थोड़ी है, सतीश का थोड़ी प्रॉब्लम है. मिलिट्री प्रोफेशन के लिए थोड़ा सा पासपोर्ट का प्रॉब्लम है मालूम है उसको, तो आप सर, हमको एनओसी नहीं मिलता ना सर. हाँ एनओसी का चलन है पुलिस डिपार्टमेंट और आप लोग का. हाँ ये आपका ऑलरेडी कंसर्न ऊपर में गया है आई थिंक, कल का मीटिंग में हम लोग भी ये बात भी सामने ऑलरेडी किया गया है प्लेटफॉर्म में. देखते हैं क्या ऑप्शन कुछ आएगा तो अच्छा है. ये क्वेश्चन सबका ही सेम प्रॉब्लम है, ये सेम ऑलरेडी ऊपर से गया है, ऊपर तक गया है. ज्यादा टेंशन मत हो रहा है, आप पैनिक मत हो जाइए सर. बच्चे पैनिक नहीं हो रहे सर, क्या है ना सर मतलब इतना प्रेशर डाल रहे सर. आप बताइए फौज के एक ही बटालियन के सर, एक ही बटालियन के, और आप बोलना नहीं चाहिए कम से कम. बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया सर, लीडर मैनेजर भी बन गया सर, और 2 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया सर. मतलब तो यार वो बोल रहे कि यार आप क्यों नहीं कर सकते, बताओ ना, होना चाहिए. मतलब हो जाएगा यार, थोड़ा सा वेट कीजिए. आप स्टेकिंग है सब कुछ, आप ब्लॉकचेन में सब कुछ चीज कर लो, सेल थोड़ी करना है आप लोगों ने. इतना फ्यूचर ब्राइट है आप लोगों का, सब अच्छा है, लेकिन वो नहीं मान रहे सर. क्या बताएं, पूरे हिंदुस्तान के बंदे हैं सर, नहीं मानते सर. देखिए बोला इनोटेक्स के ऊपर जाना है, हमने पहुंचना है सर. देखिए इनिशियली अभी हम लोग क्या बोला कि अभी एक फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप. हाँ जी हाँ जी सर, फर्स्ट स्टेप हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे, फिर कंपनी ने हम लोग को जैसे कि प्रॉब्लम गया है, देखते हैं क्या हो रहा है.
तो देखेंगे कंपनी का ऑप्शंस देंगे सर, ऑप्शंस ठीक है ठीक है। आप लोग का तो क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर तो गया है, वो मतलब जो क्वेरी है हम लोग भी सुनेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। सर 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 ठीक है, थैंक यू। ओके ओके जी, पासपोर्ट में जैसे हम रजिस्ट्रेशन मतलब वेरिफिकेशन भी करते हैं तो उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, मतलब वेरिफिकेशन के लिए टाइम लग रहा है, मतलब अप्रूव के लिए टाइम लग रहा है, जैसे मतलब 15-20 दिन लग जा रहे हैं, तो इतना टाइम लगता है क्या? आप यूनिटेक्स का बोल रहे हैं ना, ग्लोबल यूनिट पे के बारे में बोले? सर यूनिट ग्लोबल यूनिट पे में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी ना सर मेरी मेल आईडी से। नहीं, ग्लोबल यूनिट पे का थोड़ा टाइम लेता है, सबका ही टाइम लेता है, वो क्यू में आता है, बहुत सारे आदमी हो गए ना उसको क्यू में, वो लोग वन बाय वन क्लियर करते हैं, मेरा भी 1 month लगा, आपको मिनिमम तो टाइम लगेगा, ग्लोबल यूनिट पे का टाइम लगता है यूनिटेक्स का, लेकिन इंस्टेंटली हो जाता है विदिन सेकंड, जैसा कि ऑनलाइन होता है। जीटीआई का टाइम लगेगा, जीटीआई का आपका टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें देखिए उसमें आपका आईडी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन है और एड्रेस का भी है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा है, 3-4 चीजें है, इसलिए वो टाइम लगता है। जी जी। और सर ये क्रिमिनल स्टेटमेंट मांग रहा है, वो क्या चक्कर है? कौन सा ए ग्लोबल यूनिट पे में क्रिमिनल स्टेटमेंट मांग रहा है? यस, कुछ कुछ आदमी को मेल आया है, आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उसमें देना पड़ेगा। वो कंपल्सरी है क्या? बिल्कुल, वो तो जिसका आ रहा है उसको देना पड़ेगा, जिसका मेल आ रहा है रिपोर्ट के लिए उसको सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेंडिंग ही रखेंगे। अच्छा, तो और तो 2-3 जो आइडेंटिटी है वो तो प्रोसेसिंग में है, वो तो क्लियर हो चाहिए। जो प्रोसेसिंग में है आप उसमें कुछ मत कीजिए, उसमें वो वेरीफाइड हो जाएगा, अदरवाइज कैंसिल होगा, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो हो गया तो हो गया, प्रोसेसिंग मतलब वो उसमें काम चल रहा है। जी सर, काम चल रहा है। एक्चुअली सर मैं एक थोड़ा सा मेरा क्वेरी थी, एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग में जब ग्लोबल यूनिट पे स्टार्ट हुआ था ना, हुआ क्या था कि मैंने मेल अपनी मेल आईडी से, एक्चुअली मैं थोड़ा घर से बाहर, पासपोर्ट मेरे पास था नहीं और एक्सपोर्ट पासपोर्ट के मेरे पास फोटो थे, एक्चुअली मैंने वो वेरिफिकेशन वगैरह उस से शायद नहीं किया होगा, तो मेरी मेल आईडी को परमानेंटली प्लेटफॉर्म से रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं सर मेरी जो मेल आईडी है वो सीआरयू बैक ऑफिस में है, वो इसे को चलाना चाहता हूँ मैं। मैंने मेल आईडी भी डाला इनको अपने जो एक्सपोर्ट वाले है ना ग्लोबल यूनिट पे, तो एक्चुअली उन्होंने सर किया नहीं, मतलब कुछ ऐसे रिप्लाई नहीं दिया सर, हो सकती है वो सही मेल, अभी लॉगिन कर पा रहा हूँ उस पे, रिजेक्ट ही कर दिया उन्होंने। नहीं, सपोर्ट को जो आप मेल दिया था उसमें क्या किया? एक्चुअली उसमें ये लिखा था कि मेरी मेल आईडी थोड़ी मिस्टेक से थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं लोड डाउनलोड नहीं कर पाया, मतलब अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं कह रहा था कि अभी फर्स्ट स्टेप था, खाली ब्लॉकचेन का ऊपर था, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे उसका भी करेंगे काम, ब्लॉक नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूनिटेक्स का भी कुछ आइडिया देंगे और इसका ग्लोबल यूनिट पे उसका ऊपर भी कुछ आइडिया देंगे सब लोग को, क्योंकि सब लोग का कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग तो सर जी जो मेरी मेल आईडी है वो एक्टिवेट हो सकती है, उसमें थोड़ा सपोर्ट से बात करके देखना पड़ेगा। नहीं सर, काफी बहुत है, बहुत स्लो से आ रहे सर रिक्वेस्ट सब कुछ। ये जो एक काम करो के एक यूनिटेक्स का जो क्या नाम है ग्लोबल यूनिट पे का एक वेबिनार कल होगा, आप लोग उसमें आइएगा, उसमें ये सारे को आपको प्रोसेसिंग दी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक काम स्टार्ट किया है कि डीप में जाके जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जो कोई वेरीफाई नहीं कर पा रहे, चाहे वो अपना ग्लोबल यूनिट पे है या एक्सचेंज है या ब्लॉकचेन है, ये क्या है, इसको कैसे सिस्टम को लेना, हर किसी को एक साथ ना जोड़ के चले, जितने भी हमारे भागीदार हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, उनको समझना पड़ेगा ये कि ब्लॉकचेन अलग, एक्सचेंज अलग, ग्लोबल यूनिट पे अलग, इनको वन बाय वन अगर आप एक 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 सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से मेरे स्पीकर आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे कि आज हमने प्रोग्राम रखा था ब्लॉकचेन का, मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों ने काफी जो है डीप में जाके इस चीज को समझा होगा, तो अगर आप लोग आज आप लोगों को अगर लगता है ब्लॉकचेन के बारे में आप एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो पहले आप अपने स्टेप बाय स्टेप कार्य को करें, नेक्स्ट में जैसे आपकी प्रॉब्लम जो आ रही है उस पे हम आपसे पर्सनली डिस्कस भी कर लेंगे, पर्सनल डिस्कस कर लेंगे, आप हमारा नंबर लीजिए, हम आपको दे देंगे, आप हमसे बात कीजिए, हम बता देंगे कि ग्लोबल यूनिट पे जिनका वहाँ पे डिनाई हो गया या वो रिजेक्ट कर दिया गया वो कैसे वहाँ पे दोबारा जा सकते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि अभी हमारे स्पीकर का जो चल रहा है प्रोग्राम ब्लॉकचेन का, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों ने अपना ये क्लियर कर लिया ब्लॉकचेन की जो प्रस्तुति थी ऊपर ओपन हो गई सर? बोले सर हो गई है, तो हो गई है, आपने वो पूरी प्रस्तुति कर दी? हाँ सर वो कर लिया, वेबिनार सुन लिया सर। सुन लिया चलो ठीक है। तो कमल जी आप क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम है आप जो है व्यक्तिगत बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना, ठीक है ना? ठीक है सर जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स सर। ओके जी, आगे आगे आपने जो है और आज ब्लॉकचेन को लेके आप बात कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन को आज लेके चला, ब्लॉकचेन पे जो मर्जी बात करो, फाइनल करो ब्लॉकचेन को आज, आप लोगों को डीप तक लेके जाओ। थैंक यू सर, लगे रहो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जो हमारा ग्लोबल यूनिट पे वाला है
क्या वो करना जरूरी है? मैं जरूरी है सर, जरूरी कर लो सर, क्योंकि देखो जो भी आप विड्रॉल लोगे आगे आने वाले दिनों में किसी की आईडी भी टॉपअप करना चाहोगे तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको, और उसका एटीएम कार्ड भी निकलेगा। हाँ जी सर, मैंने वो वेरीफाई किया हुआ है आधार कार्ड से, तो काफी एक डेढ़ महीना हो गया है, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ ये। नहीं सर, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहेंगे उसमें, डॉक्यूमेंट्स नहीं तो जैसे आपका एड्रेस प्रूफ वो देख लो और एक बार जी। कल जबर सर ने जैसे बोला कल एक वेबिनार होने वाला है ग्लोबल यूनिट पे का। हेलो मिस्टर मनीष कुमार जी। जी जी सर, आपका क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल यूनिट पे हमने आधार कार्ड से जो है अपना वेरीफाई किया है। जी सर, पहली बात तो ये है मनीष जी कि आपका आधार कार्ड से वेरीफाई होगा ही नहीं, वहाँ पे मस्ट है आपके लिए पासपोर्ट। ओके सर, वहाँ पे पासपोर्ट ही आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट के बगैर वहाँ पे वेरीफाई नहीं हो सकता। तो सर वो रिजेक्ट हो जाएगा? यस, वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। और दूसरी बात है गूगल पास अपना जो एजेंट जो वेरीफाई कर रहा है, तो वहाँ पे अगर 100 वहाँ पे पहले जा चुके हैं वेरीफाई के लिए, तो आपका 101 होगा, अब आपको आपका रिजेक्ट होगा जाके या पास होगा जाके, वो आपको 100 वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद नंबर आपका आएगा। अब आपका एक महीने से लगा, इसलिए आपके पास मैसेज नहीं आ पा रहा अभी तक। जी जी सर, आप तक क्या करेंगे मनीष जी, आप पासपोर्ट को रेडी करा लीजिए, आपको ऑप्शन जो डिनाई का आएगा वहाँ पे आपसे पासपोर्ट के लिए बोला जाएगा, तो आप वहाँ पे पासपोर्ट अपना दोबारा से पासपोर्ट अंक दीजिए, पासपोर्ट का नंबर वेरीफाई करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। और साथ में क्वेश्चन जोड़ा था कि हमें लेना जरूरी है या नहीं, लेना उनके लिए जरूरी है जो काम कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनल साइड पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाले समय में आएंगी जिनको हम प्रॉपर नहीं, आपके लिए फायदा रहेगा, जितने लोग ले सकते हैं ले लें, ये आपके फायदे के लिए है। जी जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन सर, हेलो सर, हेलो। हाँ जी सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो हमें यूनिट एक्ट पे पहले मैंने एक आईडी अपनी मेल आईडी अलग से उस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया था, लेकिन कंपनी की कुछ तकनीकी इशू की वजह से वो डिलीट हो गई है, सभी के अकाउंट डिलीट हुए हैं, तो जैसे ही मैं वापस वो आईडी अभी डालता हूँ ना, तो वो उठाता नहीं है, अभी यूनिट एक्ट पे जाता हूँ नई आईडी बना के डाल दूँ या फिर वही आईडी डालनी पड़ेगी। अभी अभी आपने क्या करना है, कल मंडे से आपने मेल आईडी डाली है, क्या डाली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दोबारा से आपको बता रहा हूँ, आपका एवरेज माइक ओपन है बंद करिए प्लीज, जो आपका एवरेज में मेल आईडी लगा है उस मेल आईडी से आपने दोबारा से कोशिश करो रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोशिश करो और अपना पासवर्ड बनाइए, वो जो पुराने आपने जब रजिस्ट्रेशन किए थे वो सारे के सारे वहां से फैश कर दिए गए हैं, कोई वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप उस वाली आईडी को डाल रहे हैं, वो वाला पासवर्ड डाल रहे हैं, आपका अकाउंट वहां पे ओपन नहीं हो रहा, ये आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, और ये आपके साथ नहीं लोगों के साथ आ रही है, तो उनको बताया हो कि ये पूरा का पूरा फ्रेश कर दिया गया सिस्टम, दोबारा से आप अपना मेल आईडी डालिए, दोबारा से वहां पे अपना पासवर्ड बनाइए, उसके बाद आप एक्सचेंज पे जाएं, ठीक है, और विदिन बहुत जल्दी मतलब अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, तो और यदि आपके साथ वहां पे प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम आती है जो ओपन आप हमसे पूछ रहे हो, तो आप काम करना वहां पे अपना मेल अकाउंट चेंज करके दोबारा से, अगर वो वाला मेल अकाउंट आपका रिसीव नहीं कर रहा है यूनिट एक्स एक्सचेंज, तो पहले आप अपना मेल अकाउंट को चेंज कीजिए अपने एवरेज अकाउंट में, उसके बाद नेक्स्ट में आप बना लो अपना दूसरा, ओके, आपको परमिशन हो जाएगी और वेरीफाई कर लो, लेकिन यहाँ भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ओके, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक अपना जनरेट कीजिए, अपनी टीम में लिंक को बांट दीजिए, ठीक है, तब तक आप अपने पासपोर्ट को रेडी कर लीजिए, उसे वेरीफाई कर लेना, कोई इशू नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास समय है। जी सर, ओके, ठीक है सर, मैं अपनी वही मेल आईडी डाल सकता हूँ, कुछ होती है उसमें ना? नो इशू, आप पहले चेक करके देख लो, अगर होता है ठीक है, नहीं होता न्यू मेल आईडी वहाँ पे जनरेट कर दो, दोबारा से एवरेज में लगा के पहले एवरेज में चेंज करो जाके, उसी मेल आईडी को चेंज कर दो, उसके बाद यूनिट एक्स में जाके अपना कर लो। नहीं नहीं सर, मैं एवरेज में जो मेल आईडी लगी हुई है वो तो सही है, नहीं मेल आईडी मैंने एक एक्स्ट्रा एक और नहीं बनाई थी, उसी में डाली यूनिट एक्स में वो डाली थी, वो अब नहीं उठा रहा है वो, तो मैं वापस एवरेज में डाल सकता हूं ना, ये कह रहा हूं। डालो डालो, कोई नो प्रॉब्लम, नो इशू। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मच। ओके थैंक यू। अभी आपके लिए क्या होगा, अगले सेशन जो आएगा उस पे हम उस स्तर के टीचर्स आपके सामने मेंटर्स आएंगे जो कि आपको उस स्तर पे समझाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करें जिससे कि हम हमारी बात भी समझ में आ जाएगी और हम उस चीज को बेहतर ढंग से आगे भी समझ पाएंगे। अभी क्या है, ये जो है एक्सचेंज के स्पेशलिस्ट है, ये एक्सचेंज पे अच्छा काम करते हैं तो ये आपको एक्सचेंज के बारे में जानकारी देंगे, ये क्या है ब्लॉकचेन के स्पेशलिस्ट है, ये ब्लॉकचेन के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। अब अगला जो पायदान होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा उस मामले में, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, तो हमें कई बार क्या होता है सोचना पड़ता है कि हमें किनसे कौन सी बात पूछनी है। अब आप अभी कहीं क्वेश्चन आ जाता बहुत बड़े लेवल का, कोई क्वेश्चन आ जाता तो हमें रखना अपने आप को स्टेप पे रखना है जैसे कि ये लोग भी हमें डीप में समझा पाए, तो आई होप आप हमारा साथ देंगे और हमारे टीचरों का। थैंक यू। आई थिंक सबका डाउट्स अभी क्लियर हो गए हैं और किसका तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है, सो प्रज्वल जी आज का सेशन यही क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में और सेशन और टेक्निकल सेशन लेके फिर
आएंगे हम लोग आप लोग का पास। सो एक चीज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग ने दिया है, आप लोग क्या करेंगे जब शिफ्ट करेंगे ब्लॉकचेन वॉलेट को, जो स्टेप्स बताया है, जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखना है, वो आप सिक्योरली सिक्योरली मल्टीपल प्लेसेस में रखिए, मिस मत कीजिए ब्रजेश पिन्स वॉलेट। ओके प्रज्वल जी, और कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, फिर नेक्स्ट हम लोग ये सेशन को अभी क्लोज करेंगे।